बीते दो हफ्तों से मानसूनी आफत ने उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में भारी तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ केवल और केवल तबाही का मंजर है। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन कदम लिया है। रियासी जिले में हेलीकॉप्टर सेवा निलंबित कर दी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा में पिछले 43 सालों में सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसके चलते माता वैष्णो देवी मंदिर का नया मार्ग भी तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा निलंबित कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक माँ के दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्री त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर तक पुराने रास्ते से ही पहुँच सकेंगे। दरअसल बीते दिनों कटरा में 315.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ये 1980 के बाद से सबसे भारी बारिश है। इससे पहले 2019 में कटरा में 292.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बता दें कि रामबन जिले में भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसमी आफत बरस रही है, जिस कारण से तापमान में गिरावट बनी हुई है। कई जिलों में आंधी तूफान और गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक यहां भारी बारिश के आसार भी हैं। ऐसे में इस समय यहां दो अत्यंत महत्वपूर्ण यात्राएं चल रही हैं, अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा। बीते दिन भगवती नगर जम्मू से 4,920 श्रद्धालुओं का जत्था बुधवार के कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ था। बहरहाल प्रशासन और सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में दो मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहला मौसम और दूसरा सीमा पार से आतंकी साजिश को रोकना। ऐसे में जान और माल की रक्षा करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।